उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में परवीन नदी पर बने ब्रिटिश कालीन पुल में अचानक दरारें आने से पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुल में दरारें आने से लोक निर्माण विभाग ने पुल पर चार पहिया वाहनों का आवागमन बैन कर दिया, जिससे एक दर्जन गांवों का संपर्क खटीमा नगर से कट गया। पहनिया सेजना मोटर मार्ग पर बने पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से अब ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को 15 से 20 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा है। पुल में दरारें आ गई हैं और हमें चार पहिया वाहन जो है रोक इधर उधर क्या कहते हैं आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं सर, और हमें घूमना इधर उधर पड़ रहा है। कम से कम 14-15 किलोमीटर के आसपास हमें घूमना पड़ रहा है। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं सर। क्या कहते हैं हमें पहनिया गाँव से क्या 1 किलोमीटर के चक्कर में हमें 15 किलोमीटर के आसपास में हमें चक्कर काटना पड़ता है सर। हमारे यहाँ पे गांव में ये निकासी वाला जो पुल है इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ने जाने में, और जो है कि हम लोग बच्चों को पुल तक छोड़ ले आते हैं, फिर उस तरफ गाड़ी आती है, उस बाद 10-15 किलोमीटर का पूरा रन अप हो जा रहा है, बच्चों को बड़ी दिक्कतें हो रही है। शिक्षा प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी जल्दी पुल का निर्माण करवाएँ या सही करवाएँ। लोक निर्माण विभाग के द्वारा वैकल्पिक मार्ग बनाने को लेकर कवायद शुरू की गई है। श्रीपुर बिछो वाली जो रोड है उसमें 2 किलोमीटर में ये पुल था, ये बहुत पुराना ब्रिटिश कालीन पुल था, आर्क ब्रिज है। तो परसों शाम को रात को उसमें जो है सुबह बताया गया कि उसके जो बीच हुआ की स्टोन है आर्क वो डैमेज हो गया है। फिर दूसरे दिन हमने उसको दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद कर दिया है, चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं वहाँ पर, और उसकी जो वहाँ पर नए पुल बनाने के लिए शासन को हम सूचित कर रहे हैं, उसका जल्दी ही हम यहाँ से नया पी बना करके शासन को भेजने की तैयारी चल रही है। वहीं पुल के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर परवीन नदी पर बने पुल के अचानक धंसने से उसमें दरार आने के कारणों की बात की जाए तो पुल का निर्माण जहां ब्रिटिश काल में शारदा नहर के निर्माण के साथ हुआ था, तो वहीं वर्तमान में पिछले 2-3 सालों में इस पुल पर परवीन नदी से अवैध मिट्टी का खनन, ओवरलोड ट्रक ट्रॉलियों के लगातार दौड़ने से भी इसके अचानक क्षतिग्रस्त होने का एक मुख्य कारण माना जा रहा है। संवाद 365 के लिए उधम सिंह नगर से दीपक चंद्रा की रिपोर्ट।